ये भी हो रहा है जो आज करना पड़ता है पूर्णिमा के दिन उपनयन के बाद, और उधर सिका हुआ कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं मम्मी जी चावल का रोटी पका रही है, और इधर भी स्टीम किया हुआ कोई चीज बनाना पड़ता है इन उपनयन जनायु के बाद एक तिथि में, तब बनाना पड़ता है। और इधर खीर बन रहा है, तो ये खीर उबल रहा है इधर। और उधर जो शुभ दिन में जो करना पड़ता है उसकी स्थिति में, तो उसमें आप देखिए इन पत्तों के अंदर चावल के आटे से मम्मी जी कुछ बना रही हैं। तो आज ही इसे करना पड़ता है जनायु के बाद, या फिर आप कोई भी शुभ दिन जब आता है उपनयन के बाद, तो अभी इसे उतार उतार देंगी। उसके बाद जो बनाना पड़ता है, तो जो उसके बाद बनाना होता है वो दिखाता हूँ, क्योंकि शुभ दिन है तो जो जो बनना चाहिए। तो उसके लिए पत्तों में किसी भी जो हम बनाते हैं पीठे जैसा, उसे स्टीम करके बनाना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, तो इसे फिर स्टीम करना पड़ेगा। तो आज है राखी पूर्णिमा, तो राखी के दिन शुभ मुहूर्त होता है, तो इसलिए उपनयन के बाद इन चीजों को करना पड़ता है। उपनयन हो जाने के बाद उन घरों में तो चावल के आटे से बन रहा है जो सिक्का होना चाहिए। डायरेक्ट फ्लेम में पकाना नहीं चाहिए, तो इसलिए सिका हुआ चावल का रोटी, और ये चावल से बने हैं। मम्मी ने इसमें कुछ फल का एक्सट्रैक्ट भी डाल दिया है। आप सिर्फ चावल चीनी को पकाकर मोदक बिना फिलिंग के कर सकते हैं।